गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 4 की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जो एल्कीन है आपने ध्यान में रखना है कि जब कभी भी नेमिंग करनी है तो आपने नेम के पीछे जो है वो इन वर्ड यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास आ रहा है पहले मिथ है, तो अगर मान लो वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम मिथीन पढ़ेंगे, अगर इथ है तो हम उसे इथीन पढ़ेंगे, एंड सिमिलरली अगर प्रॉप है तो वी कॉल इट प्रोपीन, बट को ब्यूटीन, पेंट को पेंटीन, हेक्स को हेक्सीन, हेप्ट को हेप्टीन, ऑक्ट को ऑक्टीन, नन को ननीन, डेक को डेकीन, और डू डेक को डू डेकीन, और 11 को हमने अनडेकीन पढ़ना है और 12 को हमने डूडेकीन पढ़ना है। तो अब जो हमारे पास एल्कीन होते हैं इनकी होमोलोगस सीरीज जो है वो कार्बन 2 से स्टार्ट होती है, कार्बन 1 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो दो कार्बन के इन बिटवीन ही लगाना पड़ता है। सो इसीलिए इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन कि जो एल्कीन होते हैं इनमें कभी भी मिथीन नाम का कंपाउंड नहीं होता, मिथेन नाम का कंपाउंड होता है, लेकिन हमारे पास जो ईन है उसमें इथीन नाम का कंपाउंड रहता है, इथीन। अब आपने क्या करना है कि जब हमारे पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन आ रहा है तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला आप याद करो, वो है CnH2n। आपने n की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है कि इसका जो जनरल फार्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप राजे ये याद रखो, ये होता है CnH2n। आपने n की आगे बार बार वैल्यू पुट करनी है। मैंने पहले बोला कि n को प्लीज़ 1 मत पुट करना, क्योंकि 1 पुट करने पर क्या होगा, ये C1H2 आ जाएगा। और मैंने आपको कल ही बताया है कि जो कार्बन होता है तो अगर C1H2 होगा तो अगर ये जो कार्बन है, कार्बन अपनी सराउंडिंग में 4 बॉन्ड लगाता है, तो इट मीन्स हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन 1, 2, 3, 4, एक कार्बन के अराउंड अगर दो हाइड्रोजन होंगे तो इसकी वैलेंसी जो 4 वाली है वो कंप्लीट नहीं होगी। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसकी सराउंडिंग में सिर्फ जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन ही बन रहे हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक रहेगा। इसीलिए आपने जो है वो इथीन से स्टार्ट करना है। तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है बार बार, पहले मैंने N2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, एंड देन नेक्स्ट मैंने जो एन है वो 9 और 10 लेके मैंने इसके नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अलाइन कर लिए हैं। आपको मैंने कल बताया था कि कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, मतलब इट कैन मेक बॉन्ड विद इटसेल्फ, वो खुद के साथ ही नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो सबसे पहले फर्स्ट काम आपने क्या करना है, इसके जनरल फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद कार्बन की एक स्ट्रेट चेन लगा लेनी है, जितने कार्बन बन रहे हैं आपने पहले उतने कार्बन की स्ट्रेट चेन बनानी है। नेक्स्ट आपने काम क्या करना है कि अब ये मैंने देखो रजे ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हुए हैं। आपने क्या करना है, जब भी कभी भी एल्कीन मतलब ईन नाम वाले आपके पास होमोलोगस सीरीज आएगी तो आपने डबल बॉन्ड लगाना है, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो एक्सट्रीम एंड पे होने चाहिए। एक्सट्रीम एंड मीन्स या तो इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो, आपने इन बिटवीन कहीं पे भी नहीं लगाना। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग ऐसा भी नहीं है कि इन बिटवीन जो है वो डबल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन फिर इसका नेम अगर मान लो सपोज आई एम प्रोनाउंसिंग इट एज ब्यूटीन, तो फिर ये ब्यूटीन नहीं बनेगा, तो इसका नाम जो है वो उस जहाँ पे जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसको भी प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपने नॉर्मल नाम लेना है ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, तो ट्राई टू यूज़ डबल बॉन्ड ऑन एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे ही लगाने की कोशिश करो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, जैसे कि सपोज पहले आ रहा है C4H8, तो या तो आप डबल बॉन्ड इस तरफ लगा दो, तो या आप डबल बॉन्ड इस तरफ लगाओ, आपकी विश है। अब जैसे मान लो C5 है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, या C6 है, मैंने इधर लगा दिया, डिफरेंस कोई नहीं है, या तो आप इधर लगाओ या इधर लगाओ। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 बॉन्ड है, 1, 2, ठीक है, तो टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1, 2, 1, 2, उसके बाद ये है 3 और 1 आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड ये है, तो 2 और 1, 3, तो 1 आ गया 4। अब यहाँ पे 1, 2, तो जब कभी भी मैंने इस कार्बन के अलोंग बॉन्ड्स को पढ़ना है तो आगे वाला भी इसके साथ काउंट होगा, पीछे वाला भी काउंट होगा, तो कार्बन के साथ 1, 2, 3, 4। अब आगे इसमें क्या होगा, 1, 2, 3, 4, आपने बाकी जो है वो भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, अब ये कार्बन है, कार्बन का 1, 2, 3, 4, 1, 2,
थ्री फोर, अब यहाँ पे है वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वन, अब वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, आपने ऐसे ये जो है ये बॉन्ड बना लेने हैं। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, जहाँ पे आप बॉन्ड लगाओगे वहाँ पे हमने हाइड्रोजन जो है वो लगाना है। तो अब आप अगर मान लो मैं हाइड्रोजन लगा दूँगी यहाँ पे, सपोज मैंने एक पे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो देखो अब C3H6 का फॉर्मूला बन गया। C कितने, वन टू थ्री, हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन सिक्स, तो ये टोटल सिक्स जो है हाइड्रोजन है वो काउंट हो चुके हैं। सो ट्राई टू डू प्रैक्टिस प्लीज़, पहले जनरल फार्मूला ही लर्न करें, फिर जनरल फार्मूला लर्न करने के बाद फिर इसके बाद आपने क्या करना है, बॉन्ड लगाने हैं। अब अगर सपोज़ करो, एक वन एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ कि सपोज़ आपने क्या किया, आपने क्या किया कि कार्बन 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 कार्बन, तो आपने बॉन्ड जो है वो यहाँ पे लगा दिया। तो पहले तो इसे पढ़ेंगे तो ब्यूटीन, ब्यूट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन फोर है। अब आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है वन टू थ्री फोर। अब टू के बाद डबल बॉन्ड है तो आप इसे ब्यूट ईन नहीं पढ़ सकते, आप उसे पढ़ोगे ब्यूट टू ईन, क्योंकि सेकेंड पोजिशन के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम पढ़ेंगे ब्यूट टू ईन। सिमिलरली अगर आप किसी भी मतलब कि किसी साइड पे भी, मान लो आपने यहाँ पे सपोज डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब आपने पहले तो नंबरिंग कर ली है, काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिस साइड से इस डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो मान लो ये है वन टू थ्री, अब अगर इस तरफ से करते तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सिक्स के बाद यहाँ पे थ्री के बाद, तो थ्री के बाद वह जो मतलब मिनिमम नंबर है उस साइड की काउंटिंग को कंसिडर करो। तो अब ये क्या बन गया, ये है एट नाइन, तो हम इसे नाम क्या देंगे, नॉन एन ओ एन, नॉन थ्री ईन। तो इसीलिए आई एम आस्किंग यू कि जब कभी भी आपने डबल बॉन्ड लगाना है तो प्लीज़ एक्सट्रीम एंड पे ही लगाएं, एंड ट्राई टू डू प्रैक्टिस एट योर होम, एंड इफ़ यू फील एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।